आर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे तेज खबर पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यूपी में मुजफ्फरनगर के गांव बगरा में उस समय हड़कंप मच गया जब जमीनी विवाद के चलते एक व्यक्ति की उसी के चचेरे भाई ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। वही घटना की सूचना पूरे गाँव में आग की तरह फैल गयी। मामले की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ फुगाना और एसपी देहात ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात की। मिली जानकारी के अनुसार शाहिद का अपने ही चचेरे भाई अजमत के साथ एक प्लाट को लेकर विवाद चला आ रहा था। रविवार दोनों के बीच फिर से कहासुनी हुई, जिसके बाद अजमत ने शाहिद पर गोलियां चलाई। गोली लगने के कारण शाहिद बुरी तरह घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी तितावी डी के त्यागी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने घायल को इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही सीओ पुगाना सिद्धार्थ सिंह तोमर, एसपी देहात आलोक शर्मा भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद मामले की छानबीन शुरू कर दी। घटना के बाद तनाव को देखते हुए बगरा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एक यासीन खान थे जिनके 6 पुत्र हैं, जिनमें से एक मंटू उर्फ अजहर लगभग 25 वर्ष से उनका कोई पता नहीं चला है, जैसा कि घर वालों ने बताया। तो उनकी एक प्रॉपर्टी है जो मकान बना हुआ है छोटा सा, उसी क्योंकि उनका कोई वारिसेन या औलाद नहीं थी, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है उसी को लेकर के जो बचे हुए भाई के पुत्र हैं, विशेषतः इसमें जो मृतक शाहिद है और जो इसके मेन आरोपी है अजमत, इसके बीच में आज सुबह कुछ वाद विवाद हुआ और जिस पर के अजमत द्वारा गोली चला कर दी, शाहिद को गोली मारी गई, बुलेट इंजरी हुई, उसे हॉस्पिटलाइज किया गया जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। इस सिलसिले में मृतक के भाई के द्वारा थाने पर तहरीर दी गई है, जिस पर कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और शीघ्र ही इसमें सारी अरेस्टिंग वगैरह साक्ष्य के आधार पर जितनी कार्रवाई है वो हम कर लेंगे।